नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं सही राजनीति। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति को कैसा होना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर डी के गिरी साहब, जिनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संविधान और सरकारों के बारे में गहन अध्ययन कर भारी जानकारी हासिल है, वे बताएंगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों, राजनीतिक दलों और जनता को अपनी नुमाइंदगी पेश करनी चाहिए और उनके अपने अपने क्या क्या अधिकार हैं, हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और उसको किस दिशा में वास्तव में होना चाहिए। राजनीति में पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं होगी, सिर्फ सही बात होगी। इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे देश में राजनेताओं, सरकार, राजनीतिक दलों और जनता को किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि देश आगे भी बढ़े और जनता को मान सम्मान के साथ जीवन जीने के सुअवसर प्राप्त हों। आप इस प्रोग्राम पर गहरी नज़र रखें और समय समय पर हमें सुझाव दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540297700। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर भेजें। नमस्कार दोस्तों, ये बात सही है कि हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की तादाद पिछले बार के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ी है। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार हाथ पैर मार रही है, लेकिन अभी पर्याप्त मात्रा में लोगों को वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस पर दोहरा ये कि सरकार से आम जनता के प्रतिनिधि के तौर पर कोई मदद मांगता है या सरकार के द्वारा राहत पहुंचाने वाले कार्यों की समीक्षा कर उसकी आलोचना करता है या किसी तरह का विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कि आम आदमी का हक है वो करता है, तो सरकार उसको प्रताड़ित करने का काम करती है। तानाशाही के रवैये पे सरकार उतर आई है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी इसी रवैये पे कायम है और राज्य सरकारें भी नागरिकों को राहत पहुंचाने के बजाय उनको प्रताड़ित कर रही है। क्या ये सही है? लोकतांत्रिक देश में जनता की आवाज उठाना और जनता को विभिन्न मुद्दों पर सरकार को आगाह करना क्या ठीक नहीं है? क्या ऐसा जनता को अधिकार नहीं होना चाहिए? 75 साल देश को आजाद हो गए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति पैदा की जा रही है। क्या ये सरकार का रवैया सही है? इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात करेंगे प्रोफेसर डी के गिरी साहब से और जानना चाहेंगे कि सरकार को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है और जनता अपनी जायज मांगों को उठाने के लिए क्या करे। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कोरोना की महामारी के दौरान सरकार जो है स्वास्थ्य सेवाओं को पुख्ता नहीं कर पा रही है, राहत सामग्री लोगों तक नहीं पहुंच रही है, उस पे तुर्रा ये कि जो लोग जो है सरकार की आंखें खोलने के लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाते हैं उनको प्रताड़ित करके जेल में भेजने का काम किया जा रहा है, क्या ये सही है? लोकतंत्र में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अगर वो बात असली ना हो और जो अनियमक ना हो, जो संविधान के खिलाफ ना हो या देश का कानून के खिलाफ ना हो, तो उसमें किसी को प्रताड़ित करना, किसी को अरेस्ट करना गलत है। ये जो पोस्टर का बात उठ रही है, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज किया गया है,
ये सब कोई रिक्शा खींचते हैं, कोई डेली वेज लेबर है, कोई कारपेंटर है, इस तरह के गरीब लोग सब को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इनको किसी ने पोस्टर दी है। ये भी पता चला कि 25 लोग को गिरफ्तार हुए हैं, 25 प्राथमिकी की दर्ज किया गया है और उसमें ये सुनने को मिल रहा है कि जो गिरफ्तार हुए कुछ कह रहे हैं कि हमें आम आदमी पार्टी ने पोस्टर दिया और ये अभी तक तय नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी पुलिस ने उनसे कबूल करवाया कि नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये पोस्टर तो इन्होंने नहीं बनाए, गरीब लोग पोस्टर बनाने का खर्चा नहीं उठा पाएंगे और इस तरह का बयानबाजी लिखने का, पोस्टर डिजाइन करने का उनके लिए नहीं है, किसी ने उनको दिया है तो गलत लोगों को गिरफ्तार किया, ये पहली बात है। अगर पता भी चला कि कोई आम आदमी पार्टी का लोग या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग दिया है पोस्टर लगाने के लिए, उसमें भी कोई खराबी नहीं है, उसमें कोई व्यतिक्रम मुझे नहीं दिखता है क्योंकि लोकतंत्र में लोग अभी ऐसे भी परेशान है, त्रस्त है, टीका नहीं मिल रहा है, लोगों का परिवार से जान पहचानों में से काफी लोगों का मौत हुई है और जो बाकी जो खबर दर्दनाक खबर सुन रहे हैं कि नदियों में, यमुना में, गंगा में ये जो मृतक को पाया गया है, क्योंकि मरने के बाद हर धर्म में जब तक इसको ठीक से इनका क्रियाकर्म ना हो उनका आत्मा को शांति नहीं मिलता है, तो उस तरह का व्यक्ति परेशान है। तो किसी ने अगर कोई पोस्टर इस तरह का लगा दिया और जो बात उसमें कही कि हमारा टीका लोग ये हो रहा है कि टीका बाहर भेज दिया गया, जो हमारा टीका अभी हमारे काम पे आ सकता है, सब लोग कह रहे हैं इस बात को, सरकार का और कोई सोच होगा, लेकिन इस पे कि जिन लोगों को आरेस्ट कर इतना ही तो कहा कि हमारे बच्चों को टीका आपने बाहर भेज नहीं। सरकार पॉलिटिकल पार्टी और विरोधी दलों के नेताओं को निशाना बनाने के साथ साथ आम जनता में शामिल मजदूर तबके के लोग जो पोस्टर लगाएं या प्रचार सामग्री बांटें या सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें उनको अरेस्ट करके एक दहशत फैलाने का काम सरकार कर रही है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करके तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, ऐसे तो जो है देश के हालात और बिगड़ेंगे। तो ऐसे में जो है राजनीतिक दलों को और यहाँ तक कि न्यायालयों को क्या करना चाहिए जो सरकार सही दिशा में काम करे। अमूमन एक सरकार का जो अहिष्णुता दिखता है, जिसको इंटॉलरेंस बोलते हैं, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन जो आपदा का जो नियम है, जो एक्ट है, उसके तहत है उसका प्रावधान कि अगर कोई गलत चीज फैलाए, गलत सूचना दे लोगों को, अफवाह फैलाए और जिससे लोगों को नुकसान हो, इस तरह का स्थिति में होता है, नुकसान हो, जान जाए, तब उस चीजों को रोकना चाहिए। लेकिन ऐसे कोई इसमें बात थी नहीं, वो टीके की बात हुई थी। और दूसरी बात यह कि ये पोस्टर ही नहीं, बाकी लोग भी, कांग्रेस के लोग और ये सब बीजेपी के लोग, बीजेपी के मंत्री हैं, आरएसएस का सचिव भी, उन्होंने बहुत बड़े बयान दिए, आरएसएस का मोहन भागवत शाह ने कहा कि भाई हम लोग सब इसमें लापरवाही किए, सरकार और लोग भी लोगों का लापरवाही से ये सब हुआ, ये नहीं तो होना नहीं। ये सरकार का दोहरा मानदंड है कि फिल्म अभिनेता सोनू सूद तो लोगों को जो है राहत पहुंचाने के लिए दिन रात एक करते हैं, तो उनको तो पूरी तरह से जो है सरकारों द्वारा सहयोग किया जाता है और छूट दी जाती है, वही पॉलिटिकल लीडर पप्पू यादव जो पूरी तरह से पिछले कोरोना काल में भी और इस बार भी आम जनता की मदद कर रहे थे, उनको पुराने एक केस में उठा के जो है बंद कर दिया गया और प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या समाज सेवा करना भी इस कोरोना काल में जो है एक अपराध हो गया है? सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना तो दूर, विरोध नहीं कर रहे हैं, वो एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं, सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो पप्पू यादव जैसे और सोनू सूद जैसे लोग कर रहे हैं, तो ये दोनों में अंतर क्यों करती है सरकार? एक को तो छूट देती है और दूसरा जो समाज सेवा कर रहा है उसको उठा के बंद करती है, इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या ये सही है? सरकार ये सही तो नहीं है क्योंकि सरकार विरोध को मानती नहीं है, विरोध लोकतंत्र में एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है कि आप यदि विरोध करें, विरोध विरोध बातों में विरोध करें, पॉलिटिकल कार्यक्रम में विरोध करें, ये लोकतंत्र में अधिकार पार्टियों को लोगों को मिला हुआ, उसके बिना लोकतंत्र चलेगा नहीं।
जिस तरह के आपको बहुमत को आप नहीं सुनेंगे तब लोकतंत्र उसमें तानाशाह में बदल जाएगा। पप्पू यादव के किस्से में आते हैं, लेकिन आप जो पोस्टर की बात हुई थी, अब वहाँ के एक उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी सरकार के, उन्होंने एक बेबुनियाद और एक एक कहा जाए तो एक तर्कहीन उन्होंने एक जो बयान दिया है उससे तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ये जो कीटाणु है, वायरस है, उसमें भी जीवन है और उसको भी जीने का अधिकार है। तो ये बात तो आपदा के जो प्रावधान है उसके अंदर उसको उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए कि आपने ये बात कही थी, कह दीजिए जो कीटाणु लोगों का जान ले रहा है कि उसको भी जीने का अधिकार है, उसको उसको प्रसव दे, इसका अर्थ क्या निकालेंगे? ये तो एक तरह से बेवकूफी वाली बात है, बेहूदगी है। तो उसमें सरकार नजरअंदाज कर दिया, उनको चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट ना करके रिजाइन करने के लिए बोले, या वो जो स्टेटमेंट दी उसको वापस लें। तो ये रवैया ठीक नहीं है। और बाकी जो पोस्टर जो आप बता रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो कोई खतरनाक पोस्टर नहीं है कि किसी का जानलेवा कोई खबर फैला रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा वैक्सीन पिछली गलत नहीं आएंगे सर। पिछली बार जब कोरोना फैला था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का आह्वान करते हुए कहा था कि आपदा को अवसर में बदलना होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस दूसरी बार आई लहर को, कोरोना की आपदा को अवसर में बदलने की नियत से अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इनको विभिन्न मुकदमों में जो है बंद करने का या उनकी आवाज दबाने का काम कर रहे हैं? एक स्टडी किया गया था, एक अध्ययन किया गया था दुनिया के पैमाने में कि ये आपदा में लोकतंत्र का कैसे नुकसान हो रहा है या लोकतंत्र का जो नेता है वो कैसे तानाशाह कर रहे हैं, ऐसे करके एक रिपोर्ट आया था। और आप सही कह रहे हैं कि ये अवसर को देखते हुए लोग अपना पावर ज्यादा बढ़ा रहे हैं और लोकतंत्र का जो नियम है, उसूल है, उसको भी तोड़ रहे हैं। भारत में नहीं, बाहर भी हो रहा है। एक हंगरी का उदाहरण देते हैं, रशिया का, चाइना का, इस तरह का दुनिया भर से रिपोर्ट आया कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा भी बन गया, लोकतंत्र स्ट्रेस में आ गया, दबाव में आ गया। बाकी लोग विरोध इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनेक जगह में तो ये जब पूर्णबंदी लागू है, लॉकडाउन वगैरह है, तो लोग बाहर भी नहीं सकते हैं। इसीलिए इस अवसर को लेके, जो अवसर की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का शायद ये मंशा नहीं था कि आपदा को अवसर में परिणत बदला जाए, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल जरूर हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं कि उनका ये मतलब नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पत्रकार होने के नाते से कहता हूं, मैं नहीं डरता किसी से। चाहे मेरा कहने का मतलब है कि आपदा को अवसर में बदलने का जो उन्होंने वक्तव्य दिया था वो तो चरितार्थ हो रहा है। सारे डीएम जो है अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, अपने चहेतों को छूट दे रहे हैं, और जो चहेते नहीं है या विरोधी हैं वो पॉपुलर ना हो, वो जनता की राहत ना पहुंचा पाए, उनसे सवाल किया जाता है कि तुम इतने जो है ऑक्सीजन सिलेंडर कहां से लाए, इतने इंजेक्शन तुम कहां से लाए, अरे उसने जो है पैसे इकट्ठा करके चंदा करके गरीबों की मदद करने के लिए वो आगे आया है, उसको पारितोषिक मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, आप उसको प्रताड़ित कर रहे हो। आप तो कुछ नहीं कर पा रहे हो सरकार की स्थिति में, हर हफ्ते एक एक हफ्ते करके लॉकडाउन बढ़ा रहे हो। क्या जो लोग बेरोजगार हैं या जिनका व्यापार जो है, नौकरी जो है प्रभावित हो रही है, उसको सरकार राशन पानी और आर्थिक सहायता मदद करने के लिए किसी सरकार ने आगे कदम बढ़ाए? ऐसे लोकतंत्र चलेगा? मेरा सवाल ये है आपसे भी और प्रधानमंत्री से भी। प्रधानमंत्री से जवाब करने, सवाल करने का आपका अधिकार है। और मैं बताऊं, लोकतंत्र के हिसाब से, लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, जो असूल है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। और एक अध्यापक के नाते और एक विशेषज्ञ के नाते मैं वही बात आपके सामने रखना चाहूंगा, आपके दर्शकों को। आप जो कह रहे थे ये गलत है कि लोग ये कहते हैं, जैसे हमारे नोबेल प्राइज पुरस्कृत अमर्त्य सेन कहते हैं, जहाँ लोकतंत्र हो वहाँ आपदा कम होता है, आपदा को ठीक से संभाला जा सकता है। उन्होंने वो महामारी के फेमिन के संदर्भ में बोला था।
तो दुनिया में माने जाते हैं, तो लोकतंत्र में उसका फायदा होना चाहिए। लेकिन आपदा में लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है और लोकतंत्र का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर से अभी जीएसटी मीटिंग का मांग किया, जीएसटी में जो पैसा वसूल होता है उसको राज्य को भी जाता है और सरकार को भी जाता है, तो उसका 7 महीने से कोई मीटिंग ही नहीं हुआ था। और उसके लिए नए जो बने बंगाल के वित्त मंत्री, उन्होंने पत्र लिखा, डिमांड किया, बाकी लोगों ने भी किया। बाकी जो हमारा संघवाद है, फेडरलिज्म जिसको कहते हैं, उसके चलते स्टेट का जो राइट्स है, स्टेट का जो जिम्मेदारी है, उसको राज्यों को निभाने देना चाहिए। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जिक्र कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिले का अधिकारी को डायरेक्ट बात कर। एक जमाने में आपको याद होगा देवीलाल जी मजादार बात किए थे, उन्हें कहा था जब राजीव गांधी जी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में पीएम है और डीएम है, सीएम तो है ही। तो ये देवीलाल जी ने कहा था अपनी लहज में। तो ये जो चल रहा है ये भी सही नहीं है। और पिछले बार भी गृह मंत्री कुछ ऑफिसर को डायरेक्ट उन्होंने दिल्ली बुलाया था और बंगाल सरकार उसका भी विरोध किया था, क्योंकि कोई राज्य का अधिकारियों को बुलाते हो तो राज्य सरकार को चिट्ठी लिखना चाहिए, तो उनको भेजते हैं राज्य सरकार, वो आप सीधे जो उनको बुला रहे हो, तो ये संघवाद का विरोध है। तो लोकतंत्र को अगर आप किनारे करोगे, लोकतंत्र का मानना करोगे, तो आपदा में भी जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, ये लोकतंत्र और संघवाद हमारे जो लोकतंत्र में जो संविधान में लिखा है इसको ना मानने का भी कारण है। सर कहने को प्रधानमंत्री ने इस बार ये कह दिया है सभी राज्यों से कि आप अपने राज्य की कोरोना स्थिति को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, मरीजों की संख्या को देखते हुए और आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपना निर्णय लें। लेकिन लगता है कि ये सिर्फ कहने के लिए है। मुख्यमंत्री एक तरह से राज्यों के गौड़ हो गए। जो भारतीय जनता पार्टी के शासित मुख्यमंत्री हैं, वो तो जो है गीत गाएंगे मोदी जी के, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इधर दूसरे राजनीतिक दलों की जो सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों को कहने को तो है कि मुख्यमंत्री अपना निर्णय लें, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, खास तौर से जो डीएम है, उनको डायरेक्ट जो है केंद्र सरकार निर्देश जारी कर रही है। ऐसी स्थिति में तो चुनी हुई सरकार का अपमान है कि आप अवसर का फायदा उठा रहे हो, चुनी हुई सरकार को नगण्य कर रहे हो, अपने हिसाब से मनमर्जी से जो जनता के ऊपर आदेश थोप रहे हो। आपदा है अगर, तो आपदा में राहत पहुंचाना भी तो जिम्मेदारी सरकार की है कि जनता को प्रताड़ित ही करना है और ज्यादा कानूनों को सख्त करके। सोचने वाली बात है और ये एक दुखद स्थिति है सही में, क्योंकि हाल में ये भी सुनने को मिला कि जो बंगाल में इतना प्रखर रूप से चुनाव का प्रचार चला, जो भी हो लोकतंत्र में होता है ये कोई बात नहीं, उसको तो हम भूल गए, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आ गया, ममता बनर्जी जो बंगाल के मुख्यमंत्री बने तीसरे बार, उन्होंने कहा कि मुझे अभी प्रधानमंत्री मुझे बधाई नहीं दी। ये होता नहीं, ये देश में शायद पहली बार हो रहा है कि हारने के बाद भी दूसरों को, जो जीता उसको बधाई नहीं दे रहे विरोधी दल। ये गलत है, जो इसका मतलब आप अपना प्रतिशोध भाव रख रहे हो और आपका जो मन मैला है उसको आप नहीं। इसपे एक सवाल और, प्रतिशोध तो उनके मन में सारे राजनीतिक दलों का ही है। 2014 में ही मोदी जी ने नारा दे दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब तो पूरे विपक्ष को खत्म करने पे लगे हुए हैं, जिस तरह से चुनाव में स्ट्रेटेजी बनाते हैं या केंद्र और राज्य के संबंधों को दरकिनार करके मनमर्जी से फैसला कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? प्रतिशोध का उनका भाव और दिखता है कि आज ही शायद बंगाल में 4 मंत्रियों को अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट किया गया, मंत्री जो बने उनको अरेस्ट किया गया है। और सुनने को ये मिल रहा है और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ये डर रहा है कि शायद यहाँ और हिंसा फैले, और हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है, और हिंसा फैल जाए तो राष्ट्रपति शासन के लिए उनको एक मौका मिल जाएगा। ये भी सुनने को मिला कि हाल में बंगाल का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी कारण से लिखी है, आपदा का समय पर लिखी है, तो
उनका वित्त मंत्री कह रहे थे चैनल पे जिसमें माइली था, वो कह रहे थे कि वो चिट्ठी का जवाब ही नहीं है, ये शायद कहीं ना हो इस तरह का आपदा का समय पे एक मुख्यमंत्री राज्य का चिट्ठी लिखे प्रधानमंत्री का और चिट्ठी का उल्लेख ही ना हो, उसका एक्नॉलेजमेंट ही ना हो, तो एक देश कैसे चलेगा। तो ये सब चीजों को आपत्तियां आ रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और ये जिसको कहते हैं ये अनहेल्दी है, ये हानिकारक है, ये नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं अनहेल्दी है, ये हानिकारक है, हानिकारक कृत्य तो 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर ही रहे हैं, पूरे देश में अपनी तरह से जो है शासन को चला रहे हैं, चाहे कानून लाने की बात हो, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, 370 हो, 3 तलाक हो, बाबरी मस्जिद हो, चीफ जस्टिस को राज्यसभा सांसद बनाना हो, चुनाव आयोग को जो है गवर्नर बना देना हो, हर चीज खुले आम हो रही है, लूटपाट मचाए हुए सारी संस्थानों को जो है बेच दिया है। अब ये सवाल अगर कोई आदमी पूछता है तो उसको जेल भेज देते हैं। तो भाई क्या जनता और नेता विपक्षी दल खासतौर से इतने पंगु हो गए हैं, इतने निरंतर हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सारी गलत चीजों को कह तो रहे हैं नबी जमान में कि गलत है, उसके लिए विरोध करने के लिए एकजुटता नहीं दिखा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और पूरी तरह से लोकतंत्र को कुचल करके तानाशाही अपना लेंगे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो यही उम्मीद करेंगे और आशा करेंगे कि ऐसे ना हो, लेकिन आपका बातों में दम है कि ये जो विरोधी पार्टियां हाल में एक चिट्ठी लिखा था प्रधानमंत्री जी को, कुछ सुझाव भी दिया था कि इसे इसको करना चाहिए और चिट्ठी के जवाब में इनको मेरे ख्याल में सारे पार्टी को बुला के मीटिंग करते और कहते हैं हाँ इस तरह की विपत्ति आई हमारे देश में तो हमको क्या करना चाहिए, उनका सुझाव लेते ये अच्छा होता, ना कि उनका जो बीजेपी का अध्यक्ष है जय नड्डा साहब, उन्होंने फिर उल्टा चिट्ठी लिखा सोनिया गांधी जी को कि आपका राहुल गांधी जी इसमें नकारात्मकता फैला रहे हैं और ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो ये किसी चीज को सुझाव देना चिट्ठी लिखना इसमें नेगेटिविटी नहीं दिखता है, तो ये चीजें हो रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए दूरगामी परिप्रेक्ष्य में ये सही नहीं है। और बाकी जैसे आपने कहा विरोधी विरोधी पार्टियां सब चुप हैं या नहीं कर पा रहे जिस तरह का विरोध करना चाहिए और इस तरह का तनाशाह का वातावरण अगर इनको दिख रहा है तो करना चाहिए, नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे भी माई साहब पहले भी आप लोग आपका प्रोग्राम में बताया था, ये हमारा मिट्टी में लोकतंत्र मिल गया है, हमारा हवा में है, हमारा पानी में है, तो उसको कोई भी तनाशाह उसको नहीं हटा सकता। अगर पार्टियां विफल होते हैं तो लोगों में से एक गुस्सा आएगा और एक उछाल आएगा जिससे इस तरह का तनाशाही प्रवृत्तियां जो है भय के बाढ़ की तरह निकल जाएगा। तो मुझे तो ये नहीं है कि हमारा देश में कभी नॉर्थ कोरिया जैसे या चाइना जैसे या पाकिस्तान जैसे हमारा देश बनेगा जहाँ लोकतंत्र का खात्मा हो और एक ही पार्टी का एक छत्रवाद और तानाशाह चले। तो मोदी जी इस चीज को जानते हैं, भारत का इतिहास को जानते हैं, इंग्रेज को जो हम खदेड़ दिए इतना पावरफुल शक्तिशाली दुनिया में उसने कब्जा कर रखा था तो आंदोलन से, तो मोदी जी तो अपने देश के हैं। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।